नमस्कार, नक्षत्र न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नितेश रंजन और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सफर जिंदगी का। आज इस कार्यक्रम में हमारे बीच होंगे झारखंड सरकार के मंत्री सीपी सिंह साहब। इनके जीवन को टटोलेंगे हम, किस तरीके से बचपन गुजरा, कहां पढ़ाई की, कैसे कॉलेज आए, कैसे राजनीति की, ये तमाम चीजों पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले स्वागत है आपका नक्षत्र न्यूज में। धन्यवाद सिंह साहब। स्टार्टिंग कैसा रहा, कहां से, मतलब किस गांव के रहने वाले हैं? देखिए, मैं पलामू जिला अंतर्गत नौगढ़ा ग्राम के रहने वाले हैं और सातवां तक की पढ़ाई मैंने वहीं पर की। वैसे बचपन में मैं रांची आता था, माता पिता मेरे रांची में रहते थे। कई बार तो मैं छोटा मोटा जैसे 5-6 साल का रहा हूँगा तो ऐसे ही किसी स्कूल में, बाल संगम स्कूल है मुझे याद है हरमू रोड में, वहाँ भी मैंने थोड़ा बहुत पढ़ाई किया था, लेकिन मूलतः मैं सातवां पास गांव के स्कूल से। अच्छा, माता पिता यहाँ रहते थे, आप वहाँ रहते थे जी। मतलब ये आप किनके साथ रहते थे वहाँ? चाचा नहीं, हमारे चाचा चाची वहाँ रहते थे। वो चाचा चाची गांव में रहते थे और मुझे मन लगता था क्योंकि उस ज़माने में हमारे पास गाय भैंस दादा भी रहते थे हमारे, तो इसलिए वहाँ का एक आनंद अलग था। स्कूल का स्कूल हमारे गांव में आज भी हमारे घर के बिल्कुल सटा हुआ है, इसलिए वहाँ पढ़ने में भी मन लगता था और रहने में भी मन लगता था। अच्छा, गांव में जिस तरीके से आप बता रहे हैं गाय भैंस रहता था, कभी चराने का मौका मिला क्या? बिल्कुल चराने का मौका मिला है, गाय को लेकर के खेत तरफ गए हैं, गाय दूहने का भी मौका लगा है। अच्छा, दूह लेते हैं गाय आप? हाँ, उस समय वहाँ के गाय तो दूह लेते हैं बहुत। हम लोग के यहाँ बहुत छोटा छोटा गाय हुआ करती थी, वहाँ ये बड़ा बड़ा गाय नहीं, 10 किलो 15 किलो नहीं, वो मुश्किल से आधा किलो दूध देने वाली गाय, बहुत छोटी छोटी गाय होती थी, तो आराम से हम लोग दूधते थे उसको। अच्छा, फैमिली किस तरीके का, पिताजी जो है वो क्या करते थे? नहीं, पिताजी हमारे यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर थे और रांची में ही रहते थे। आर्थिक रूप से क्या बहुत मजबूत थे, मध्यम वर्ग थे या कमज़ोर थे? नहीं, मध्यम वर्ग, ना बहुत कमज़ोर थे ना बहुत ये थे, हम लोग मध्यम वर्ग के थे। गाँव में खेती बाड़ी थी, पिताजी के ठेकेदार थे, कॉन्ट्रैक्टर थे, इसलिए पैसे की कोई कमी नहीं थी और कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि हम लोग के पास एकदम साधनहीन है, ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ क्योंकि गांव में भी खेती बाड़ी अच्छी थी। बचपन में जब स्कूल जाते थे पढ़ने के लिए तो क्या लगता था, किस तरीके से जाते थे? पैदल जाते थे? एकदम बगल में, ठीक बगल में स्कूल था? बिल्कुल बगल में, 1 मिनट का भी रास्ता नहीं, और बोरा अपना घर से लेकर जाते थे। अच्छा, बोरा लेकर जाते? हाँ, बोरा लेकर, क्योंकि उस समय बेंच डेस्क का प्रचलन ही नहीं था, वो बोरा बिछाते थे और बैठ जाते थे। तो उस समय तो डेस्क बेंच स्कूल के, गांव के स्कूल में डेस्क बेंच हुआ नहीं करते थे। गांव के जो साथी हुआ करते थे जी, उसमें और शहर के लोगों में क्या डिफरेंसेस देखते हैं? देखिए, गाँव में और शहर में अंतर तो पड़ता ही है, शहर शहर है, गांव गांव है, तो आज तो बहुत साधन संपन्न हो गया है, शहर में बहुत सी चीज़ें हो गई हैं, गांव में नहीं थे, घर से खा के जाते थे और फिर घर में आके खाते थे। आज तो मध्याह्न भोजन भी लोगों को मिलता है, लेकिन उस समय ये सब चीज़ें नहीं थी, बल्कि उस समय एक तरह से आप कहिए गांव की जो स्थिति थी तो गुरु शिष्य परम्परा थी, वो सब मुझे याद है उस ज़माने में। तो उस समय कुछ अपने गुरु के विषय में बताइए कि किस तरीके से आप लोग गुरु के साथ व्यवहार करते थे? नहीं नहीं, उस समय गुरु लगते ही नहीं थे, आजकल तो जो यहाँ के गुरु हैं, आज के ज़माने के गुरु और उस समय के गुरु तो एकदम घर टाइप का लगते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं अगल बगल गांव के ही वो होते थे और वही पढ़ाते थे, इसलिए हमारे माता पिता या हमारे दादा वगैरह भी जानते थे कि कौन गुरु जी हैं। इसलिए उस समय स्नेह, यदि पीटते भी थे तो स्नेह से पीटते थे, आजकल नहीं है कि कोई एक थाप मार दिया तो उस पर केस हो जा रहा, वैसा नहीं था। हमको तो याद है कि कभी कभी शलेट का ये से कोनी से पिटाई होती थी। अच्छा, आपकी? आपकी, मेरी या अन्य छात्रों की, या एक पेड़ होता है कनेल का, उसका पतला छड़ी होता है, उससे पिटाई होती थी। पिटाई में कौन से गुरु जी सबसे ज़्यादा याद आते हैं? देखिए, हमारे गाँव के ही गुरु जी थे, वो गुरु जी सबसे ज़्यादा याद आते हैं। वो गुरु जी पिटाई बहुत करते थे और मेरे साथ चचेरा भाई भी पढ़ता था, वो थोड़ा अटकता था बोलने में, तो उसको कभी कभी कंकड़ मुंह में डालते थे कि अटके नहीं, तो वो सब याद है। अच्छा, जिस तरीके से बचपन में पढ़ने में कितना मन लगता था?
देखिए, बचपन में पढ़ाई में मन लगता था और हमारे लिए हम दो जो चचेरा भाई लोग जो भी थे। आप घर में इकलौते? नहीं, मैं माता पिता का इकलौता लड़का, तीन बहन एक भाई। आगे की पढ़ाई कैसे जो? और फिर मैं यहाँ पर, नहीं नहीं मैंने यहीं से मारवाड़ी हाई स्कूल से मैंने 1972 में मैट्रिक की परीक्षा पास की और फिर मारवाड़ी कॉलेज में जो नाइट होती थी फिर मैंने उसमें एडमिशन लिया। फिर उसके बाद 74 का आंदोलन हुआ, 74 का आंदोलन में मैं भाग लिया। 74 के आंदोलन में आप कितने वर्ष के थे? 74 के आंदोलन में आप कुल मिलाकर मैं कह सकता हूँ 18 साल की उम्र रही। 18 साल की जी। राजनीति में आने का कहाँ से मोटिवेशन? देखिए, इसके राजनीति की जहाँ तक मोटिवेशन की बात है तो हमारा गांव उस जमाने में प्योरली एक घर छोड़ दिया तो पूरा जनसंघ था, लिया छापा। और वहीं से जब छोटा बचपन थे तो दिया छाप हम लोग करते थे उस समय। और फिर जब रांची में आए तो फिर संघ के शाखा में जाना शुरू कर दिया 1968 में। तो चूँकि उस समय भी दिया ही छाप था तो मैं 8वीं कक्षा से ही राजनीति के चीज़ों में भाग लेना शुरू कर दिया। मैंने 8वीं कक्षा से ये मन में आने लगा कि भाई हम राजनीति कर सकते हैं, हम में है वो क्षमता? नहीं नहीं, वो सोच नहीं थी उस जमाने में। क्या सोच थी वो 8वीं क्लास में? आपकी सोच क्या नहीं थी? जैसे गांव से जब दिया छाप था तो हमको लगता था कि यही एक छाप है वाली जो पार्टी है जनसंघ, उस समय भारतीय जनसंघ हुआ करता था, तो यही पार्टी है जो देश को अच्छे रास्ते पर, अच्छे राह पर ले जा सकती है, विकास कर सकती है। और लगता था कि ये देशभक्त पार्टी है। सबसे बड़ा मन के अंदर भाव ये था कि ये देशभक्त राष्ट्रभक्त पार्टी है जनसंघ। ऐसा क्या नज़र आया, क्या अंदर से जो भावना आई, क्या भावना? नहीं देखिए, उस जमाने में मुझे याद है कि वैसे तो मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का नाम उस समय मैं सुना ही था बचपन में, लेकिन माननीय वाजपेयी जी वगैरह का नाम तो उस ज़माने में आता था कि वाजपेयी जी, अटल बिहारी वाजपेयी, तो प्रेरणा के स्रोत तो थे ही अटल बिहारी। 8वीं क्लास में ऐसा लगा कि वाजपेयी जी से मुलाकात करनी चाहिए, दिल में ये भी आया? देखिए, इतना हम लोग नहीं सोच पाते थे, सच्ची बात मैं बताऊँ कि वाजपेयी जी से मिलना है ये सोच उस समय नहीं थे। हाँ, लेकिन बाद के दिनों में जब 74 का आंदोलन वगैरह हुआ, जब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में काम करने लगा, तो उस समय लगने लगा कि नहीं, कभी मौका ऐसा लगे तो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे कि अटल बिहारी वाजपेयी जैसे शख्सियत से मुलाकात हो जाएगी तो अपने आप को गौरवान्वित महसूस। अभी रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बातें जारी रहेंगी और जानने का इनसे प्रयास करेंगे। जिस तरीके से इन्होंने कहा कि गाँव में रहते थे तो गाय दूहने का भी काम किया, राजनीति की इच्छा नहीं, लेकिन 8वीं क्लास से देश प्रेम की भावना जो है अंदर ही अंदर जागृत हो गई, इन तमाम चीजों पर आगे भी बातचीत जारी रहेगी। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। हम आम आदमी के लिए सोचते हैं, हम आपके लिए सपने देखते हैं। इसी विजन ने वास्तु विहार को भीड़ से अलग किया। इसी सोच ने हमें पूर्वी भारत की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी होने का गौरव दिया है। इसलिए आज हम आपके कंठ के हार हैं, हम वास्तु विहार।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है सफर जिंदगी का में। सीपी सिंह साहब हमारे साथ बने हुए हैं, हम जिस तरीके से लगातार उनसे बातचीत कर रहे हैं, कुछ ऐसे पहलू भी आ रहे हैं जो आज तक मुझे नहीं लगता है लोग जानते होंगे। अब इन चीजों से और भी बातचीत कर लेते हैं। राजनीति में आए, कभी ये लगा कि डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, आईएएस बने, चूंकि पढ़ने में आप अच्छे थे? नहीं, देखिए, कभी डॉक्टर, इंजीनियर या आईएएस बनने के बारे में कभी नहीं सोचा। ये बात सही है कि बचपन में मुझे याद है कि मेरे दादाजी मुझे वकील बनाना चाहते थे, और फिर जब मैं कॉलेज में आया तो मैं लेक्चरर बनना चाहता था जी। तो लेक्चरर तो बन नहीं सका, इसलिए कि मैं आगे की पढ़ाई बीकॉम के बाद छोड़ दिया, सिर्फ लॉ किया। और लेकिन वकील प्रैक्टिस नहीं करता हूँ, लेकिन आज मैं बार एसोसिएशन का मेंबर हूँ, परमानेंट मेंबर हूँ, और लाइसेंस भी है मेरे पास। तो आप कह सकते हैं कि मेरे दादाजी की इच्छा आपने कम से कम पूरी की, मुझे लगता है अपनी इच्छा को। हाँ, पूरी इच्छा तो नहीं, क्योंकि मैं प्रैक्टिस में नहीं हूँ, लेकिन इतना है कि आज मैं जब चाहूँ तब वकालत कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास लाइसेंस है उसका। ये इच्छा होती है क्या कि चलो यार राजनीति में जब अगर छोड़ने का कभी मौका लगा तो एक बार प्रैक्टिस भी कर लेंगे जाकर? ये तो छोड़ने की बात नहीं कर रहा हूँ, ये तो मैं आज मुझे लगता है कि कभी कभी मैं कोर्ट में जा कर के बहस करूं, मैं माननीय न्यायालय में जा कर के, और लगता है मन के अंदर बड़ी इच्छा करती है कि मैं जाऊं और जा कर के बहस करूं। कई केसेज देखेंगे कि हमारे ही ऊपर हैं, राजनीतिक केसेज हैं छोटे छोटे, तो मैं लगता है कि मैं अपनी बहस खुद करूं। लेकिन फिर मैं सोचता हूं कि राजनीति से उतनी फुर्सत नहीं मिलती कि मैं खुद बहस कर सकूं, इसलिए वकील लगता हूं। राजनीति की शुरुआत हुई, उसके बाद कब आपको लगा कि एक जनप्रतिनिधि के तौर पर भी आप स्टेब्लिश कर सकते हैं? देखिए, एक बात मैं बता दे रहा हूँ, संघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शाखाओं में जाता था तो वहाँ पर भी बौद्धिक में ही कहा जाता था कि काम करना है, फल की चिंता नहीं करनी है। इसलिए हम लोग कभी सोचते नहीं थे कि कभी मैं विधायक भी बनूंगा, कभी जनप्रतिनिधि, कभी सोचा नहीं। सही बात आपको बता रहा हूँ। लेकिन इसके बाद जब मैं राजनीति में एक तरह से कहिए होल टाइमर की तरह काम करने लगा, नाम नहीं था होल टाइमर का, लेकिन आप कुल मिलाकर होल टाइमर से कम नहीं थे हम, तो मैं क्षेत्र में जाता था, लोगों को जनप्रतिनिधि के प्रति लोगों के अलग अलग विचार होते थे, तो मैं सोचता था कि आखिर जनता इतना जिंदाबाद करती है, इतना सम्मान देती है, तो फिर जनता के बीच जनप्रतिनिधि रहता क्यों नहीं है? लोग शिकायत क्यों करते हैं कि जनप्रतिनिधि आते नहीं है? और मैं भी देखा कि साहब जो सांसद हो गए, हवा में हो गए, और उसके बाद जो वो जो है सो जनता के बीच नहीं है, मेरे जैसा आदमी नहीं पहचानता रहा। तो राजनीति में रहने के बाद भी मैं जो दूसरे पार्टी के सांसद हुआ करते थे उनको नहीं पहचाना, और पहचाना कब? वो दो दो बार रांची से सांसद रहे, और पहचाना कब? जब मैं विधायक हो गया और जब वो मेरे पास काम से आए और परिचय दिया तब मैंने पहचाना कि ये सांसद रहे हुए हैं। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि 1990 के पहले तक मैं कभी सोचा ही नहीं था कि मुझे विधायक भी बनना है या बन सकता हूँ। मैं कभी ऐसा लालसा मन में था नहीं। पिताजी जो है वो कॉन्ट्रैक्टर का काम करते थे, आप भी इस पेशे में आए, आपको क्या लगता है कि जब आपने ठेकेदारी शुरू की अपने मन से इच्छा जागृत हुई कि नहीं ठेकेदारी का भी काम करना चाहिए, या फिर पिताजी ने कहा था कि नहीं? नहीं, देखिए, मैं एक बात बता रहा हूँ, आपको जानकारी होनी चाहिए कि मैं आंदोलन में जब रहा, फिर मैं इमरजेंसी में जेल चला गया, मैं 6 महीना 4 दिन जेल में रहा। उसके बाद जब मैं निकला फिर मेरी शादी हो गई, जब शादी हो गई तो स्वाभाविक रूप से शादी मेरी 1978 में हुई, तो शादी होने के बाद मुझे लगा कि यदि मैं नौकरी करूँगा तो फिर राजनीति नहीं कर सकता मैं, और इसीलिए मैंने कई बार बैंक पीओ का फॉर्म ले आया कि बैंक में मुझे पीओ का एग्ज़ाम देना है, कई निकले
जिसमें राशन दुकान का भी निकला कि मुझे राशन दुकान भी, चूँकि मैं आंदोलन में था, जेल गया था, तो मुझे जन वितरण प्रणाली की दुकान मिल सकती। फिर मैंने सोचा कि नहीं, ये तो अच्छा काम नहीं है जन वितरण प्रणाली की दुकान, तो मैंने छोड़ दिया। फिर निकला ये स्वास्थ्य इंस्पेक्टर का पद निकला, 11 था जिसमें 6 था रिजर्व जो जेल गए हों उसके लिए। फिर मैं सोचा कि ये तो दिन भर मुझे सरकारी काम में रहना होगा, तो फिर मैं राजनीति नहीं कर पाऊँगा। तो मैंने कहा कि नहीं, ये सब नौकरी वाली बात ही छोड़ दो, और मैंने सारी चीज़ें त्याग दी कि नौकरी नहीं करना है, अपना पेशा करना है। तो स्वभावतः चूँकि पिताजी उस पेशे से जुड़े हुए थे, तो कभी कभार उनके ज़माने में कभी बचपन में जाना पड़ता था, तो जानकारी था ही। तो मैंने सोचा कि यही ऐसा काम है जो करते हुए भी राजनीति कर सकते हैं, और चूंकि मुझे कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्टर के रूप में था ही नहीं, छोटा मोटा काम करता था सिर्फ जीवन यापन के लिए, बहुत छोटा मोटा काम, बहुत जीवन यापन करने के लिए सड़क नाली यही टाइप का काम बनवाने का काम किया। और आज नगर विकास मंत्री के तौर पे आप हैं। हाँ बिल्कुल, मतलब ये कहा जाए एक तरीके से कि जब शादी हुई तो एक पारिवारिक दबाव जब पड़ा तो उसके बाद आपको लगने लगा कि नहीं अब क्या करें, राजनीति के साथ कुछ ना कुछ चाहिए। नहीं देखिए, बिल्कुल हर व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनना चाहिए। मैं माता पिता का इकलौता लड़का था, तो स्वभावतः ये बातें आई सामने कि भाई पिताजी की अब एज भी हो रही है, तो पिताजी ने इतना दिनों तक पढ़ाया लिखाया सारी चीज़ें के, तो अब पिताजी पर भार बनकर रहना किसी दृष्टि से उचित नहीं है, बल्कि पिताजी को रेस्ट देना चाहिए और कमा करके माता पिता को भी साथ रख करके और फिर उनकी सेवा करें। पूरे जीवन में चूँकि काफ़ी 5 बार आप विधायक रहे, आपको क्या लगता है कि और क्या कुछ कर सकते हैं जो नहीं कर पाए? देखिए, आप यदि खुले दिल से, खुले मन से, एकदम खुले मन से बता, आप यदि सच मामले में खुले दिल से, खुले मन से यदि बात करेंगे, तो मैं ये कह सकता हूँ कि नो बडी इज सेटिस्फाइड इन द अर्थ। कुल मिलाकर मैं इतना कह सकता हूँ कि समस्याओं से भागना नहीं चाहिए, समस्याओं से भागेंगे तो समस्याएं आपका पीछा करेंगी। इसलिए जितना बन पड़े समस्याओं के समाधान की दिशा में प्रयासरत रहना चाहिए, अपनी ओर से हर संभव कोशिश करनी चाहिए। अब कई चीज़ें हैं जो हो जाती हैं, कई चीज़ें हैं जो नहीं होती हैं, लेकिन मेरे जैसा व्यक्ति जब नहीं होती है तो मन के अंदर बहुत दुखी मन दुखी होता है, मेरा टेंशन हो जाता है। बहुत लोग बोलता है टेंशन नहीं लेने का, लेकिन मैं टेंशन जानबूझ के तो नहीं लेता हूँ, जनता की सेवा के लिए लेता हूँ। अभी रोकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, अब जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो सीपी सिंह साहब की और बातों की जानकारी उनके परिवार के सदस्यों से लेंगे कि किस तरीके से ये परिवार में सामंजस्य बिठाकर चलते हैं और कैसे हैं इनके अंदाज, इन तमाम चीजों पर बातचीत करेंगे। Kaustav Institute of Sustenance, KIST, Eastern India's first degree engineering college for women. With a state-of-the-art campus, it became the first choice of young technocrats for engineering and management education. Considering the need of the industry, it offers BTech, MTech, Masters in Business Administration and Masters in Computer Application with the best-in-class labs in campus hostel, Wi-Fi connectivity and e-learning library. Having major branches of engineering, electronics and telecommunication engineering, electrical and electronics engineering, computer science and engineering, KIST offers a complete academic environment. To make the students industry ready, it offers pre-placement training and the proactive placements that will make you excel in the campus drive. For details, visit
kaustavgroup.ac.in. KIST, nurturing excellence in women's education since 2001. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है सफर जिंदगी का में। अब हमारे साथ सीपी सिंह साहब की पत्नी हैं, बच्चे हैं, हम इनसे जानने और समझने का प्रयास करेंगे। जिस तरीके से अभी इन्होंने अपनी सादगीपूर्ण जिंदगी का वर्णन किया, अब इनसे जानेंगे कि इनको क्या कुछ अच्छा लगता है, इनको खाने में क्या अच्छा लगता है। खाने में नमकीन अच्छा लगता है और बचका ये सब तो बहुत पसंद था, लेकिन अब खाना नहीं है तो वही नाश्ते में वही ओस्ट है, तो फिर दलिया यही सब, उपमा, पोहा। शादी के वक्त ये नौकरी नहीं करते थे, उस वक्त कभी लगा क्या कि नौकरी होने होती तो अच्छा होता? वो तो देखिए अभी तक तो याद नहीं है, बहुत समय हो गया। कभी कभी डांट फटकार या कुछ इन्होंने लगाई है? नहीं नहीं, कभी नहीं नहीं। या आपने कुछ कहा है कि नहीं? नहीं, वैसे देखिए तो याद नहीं है, होती इनमें इनमें अच्छाइयां क्या है ये बता दीजिए। चलिए, पत्नी है और साफ तौर से हम बच्चों से भी पूछ लेंगे, क्योंकि ये बेहतर बता सकते हैं कि क्या इनमें अच्छाइयां और क्या कमियां हैं, डांटते हैं या नहीं, ये तमाम चीज बातचीत कर लेते हैं। डांटते हैं पापा? हाँ, अब गलती कीजिएगा तो डांट तो मिलेगा। तो डांटते हैं तो बहुत कस के डांटते हैं या थोड़ा सा नॉर्मल रहते हैं? नहीं, मतलब जितना होना चाहिए उतना है, फिर ठीक है, बस मतलब जिस वक्त डांट जरूरी होता है उस वक्त डांटते हैं, फिर नॉर्मल। इनमें अच्छाइयाँ क्या है? बहुत सारी है। बहुत सारी है, कोई तीन बता दो। मतलब बहुत कॉन्फिडेंट और काम को लेके बहुत ज़्यादा जागरूक और मतलब टाइम, ये सब इनमें बहुत अच्छा है। समय समय दे पाते हैं तुम लोगों को? नहीं इतना नहीं, लेकिन हाँ अब बाहर में इतना समय देते हैं तो घर में कहाँ उतना नहीं हो पाता जितना समय नहीं दे पाते हैं। बच्चे कह रहे हैं कि समय उतना नहीं दे पाते हैं। नहीं, बात सही बोल रहे हैं कि देखिए, एक साथ मैंने कहा ना कि हर चीज़ परफेक्ट नहीं हो सकता, तो स्वाभाविक रूप से बाहर में आप समय देंगे तो घर में इतना समय नहीं दे सकते हैं, घर में इतना समय देंगे तो बाहर में नहीं दे सकते हैं। तो जनता ने इस विश्वास के साथ चुना है कि जनता जनप्रतिनिधि के रूप में जनता के बीच रहना है, तो स्वाभाविक रूप से जनता के बीच ज़्यादा रहता हूँ। ये अलग विषय है कि अभी 3 महीने से 4 महीने से उतना समय नहीं दे पा रहा हूँ मैं जनता के बीच, क्योंकि आप जानते हैं कि मेरी शल्य क्रिया हुई है, इसके कारण से नहीं दे पा रहा हूँ। लेकिन ये बात भी सही है कि पहले जनता फर्स्ट, क्योंकि जनता ने चुनी है और हमारे परिवार के लोगों ने एडजस्ट कर लिया अपने आप को, ये सबसे बड़ी बात है। मैडम, आपने एडजस्ट कर लिया, आप जैसे हैं वैसे ही ठीक है। ये फिल्म कभी गई हो लेकर गए हैं पापा? हाँ, गए हैं। अच्छा, तुम बताओ कि इनमें कमियां क्या है, कुछ है कमी? नहीं, वैसा कुछ कमी तो मुझे महसूस नहीं हुआ, वैसा कुछ कहीं कुछ नहीं। नहीं, अच्छाइयां तुमको क्या लगती है? अच्छाइयां काफ़ी है, अब एक दो बताएंगे तो बाकी सब पीछे। अच्छाइयां बहुत है, मतलब बहुत गलत चीज़ के लिए वहाँ पे पॉइंट आउट करके बताते हैं कि भाई ये गलत है, ऐसा मत करो, यही सब, मतलब बहुत करेक्ट पाथ पे ले जाते हैं। और भी बहुत कुछ है, टाइम उतना नहीं दे पाते हैं, लेकिन सब पता रहता है कि भाई क्या कौन क्या कर रहा है, सब सारा चीज़ है। घूमने घुमाने लेकर जाते हैं? मतलब उतना वैसा तो नहीं है, फ्रीक्वेंटली वैसा तो नहीं है, लेकिन जब हाँ कभी कभार साल में जब एक बार घर में कहते हो कि अब ले चलिए, अब हाँ, तो से बाहर है, तब कभी साल में एक बार साथ में जाते हैं। उतना किसी के पास समय नहीं है, सब कोई इधर उधर रहता है, तो खुद भी हम लोग गेट टुगेदर उतना नहीं हो पाते, लेकिन जब घर में रहते हैं तो साथ में कहीं। क्या लगता है कि आप जो है, आप जैसे कि गवर्नमेंट जॉब में नहीं जा पाए, क्या बेटा या बेटी ये लोग जॉब करें या पॉलिटिक्स की ओर? देखिए, एक चीज़ मैं बता दूँ, मेरी बेटी जो जिससे आप बात कर रही थी, ये एमटेक की है बायोटेक में और अभी पीएचडी कर रही है, इसको स्कॉलरशिप भी मिल रहा है बीआईटी मिश्रा से, तो स्वाभाविक रूप से ये नौकरी करेगी। बेटा? और बेटा भी अभी बीटेक कर रहा है, अभी फाइनल ईयर है, फोर्थ ईयर में है। तो हमने कभी अपने किसी परिवार के सदस्य को कभी नहीं कहा कि राजनीति में आना है, क्योंकि कई लोग क्या है कि वंशानुगत होते हैं। हमने कहा कि नहीं, ये तय उसको करना है, ये उसकी मेरिट पर होगी, क्योंकि कोई किसी के भरोसे राजनीति, जैसे मैं यदि हमारे लड़के का पिता मैं हूँ यदि, और मैं राजनीति का हूँ, मंत्री हूँ, इसलिए बने, ये कदापि उचित नहीं है। और मैंने कभी राजनीति में इन लोगों को
इंटर करने के लिए कभी नहीं कहा, और ये लोग भी नहीं करते हैं, कभी कोई हस्तक्षेप नहीं करते हैं। बहुत लोगों का देखिएगा मंत्री के यहाँ या विधायक के यहाँ क्या होता है, अधिकतर के यहाँ देखिएगा कि कोई बेटा, कहीं का बेटी, कहीं पत्नी, किसी का साला, तो बहनोई, तो भाई इंटरफेयर करता है। हमारे यहाँ कोई इंटरफेयर नहीं करता, और मैं आपके माध्यम से कहना भी चाहता हूँ कि यदि गलती से भी कोई किसी को कोई शिकायत ऐसी हो तो डायरेक्ट मुझसे कहे, निश्चित रूप से मैं राजनीति में कोई इंटरफेयर बर्दाश्त नहीं करता हूँ। और हमारे जो बेटा और बेटी हैं वो कभी करते नहीं हैं, उनको छूट है, वो क्या करेंगे, वो पढ़े लिखे, सबसे पहले तो पढ़ाई करनी है, और पढ़ लिख करके वो स्वतंत्र हैं कि उनको क्या कौन सा काम करना, नौकरी करना है कि व्यापार करना है कि राजनीति करना है या कुछ नहीं करना, ये तय उनको करना है। मैं किसी पर कुछ लादता नहीं। कभी कभी किचन में कभी कुछ खाना उना बनाने का शौक कहीं कुछ इस तरीके का हुआ हो? नहीं, देखिए मैं आपको बताना भूल गया, मैं बचपन में फिर उल्टा हो गया, फिर हमारी माँ फिर गांव पर रहने लगी और गांव पर आना जाना लगा रहता था। तो मैंने पढ़ाई की है हाई स्कूल में भी और कॉलेज में भी, अपने से खाना बना करके, फादर और हम दो रहते थे तो कभी फादर बनाते थे कभी मैं बनाता था। तो मैं इतना कह सकता हूँ कि दाल भात सब्जी भुंजिया चटनी अचार ये सब सारी चीज़ें मैं बना सकता हूँ। मैडम कभी बना के खिलाया है? कभी कभी याद है तुमको? हाँ हाँ याद है। कैसा लगा खाने में? बहुत अच्छा। अच्छा, खुद कुछ चीजें तो हम सीखे भी हैं, जैसे नूडल्स वगैरह बचपन में बहुत बनाए पापा जी, अंडा मैगी यही सब बनाते थे, चिकन वगैरह तो क्योंकि मम्मी खाती नहीं है ना बनाती, तो उसे ही। अंतिम सवाल ये कि नक्षत्र न्यूज के माध्यम से तमाम लोगों को क्या संदेश देंगे? देखिए नक्षत्र न्यूज के माध्यम से मैं सभी दर्शकों से आग्रह करना चाहता हूँ कि हम एक अच्छा नागरिक बने, अच्छा रांचीवासी बने, अच्छा झारखंडवासी बने, अच्छा भारतीय बने, और अपने समाज के लिए, राज्य के लिए, देश के लिए तन मन धन से समर्पित होकर कार्य करें। मेहनत लोगों को मुकाम तक पहुंचाती है, यही हुआ सीपी सिंह साहब के साथ। आए यहाँ पर, कभी नाली बनवाने का काम करते थे, आज नगर विकास मंत्री हैं। तो निश्चित रूप से जो मेहनत करेगा उसे फल मिलेगा। अगले दिन किसी और खास मेहमान के साथ खास जगह मिलेंगे। आज के लिए दीजिए हमें इजाजत।